नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है, इससे रिलेटेड डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये एक्चुअली व्हील है जो आपके सामने पिक्चर में दिख रहा होगा, और ये हमारा एक्चुअली रेल का ट्रैक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो व्हील होता है इसमें जो 1:20 का जो है कैंट प्रोवाइड किया जाता है, और इसमें भी कैंट रहता है व्हील में भी, और रेल के जो फ्रेंच पोर्शन होता है इसमें भी कैंट प्रोवाइड किया जाता है। तो दोनों इसलिए कैंट प्रोवाइड किया जाता है, अगर कैंट प्रोवाइड रहता है तो क्या है, जो स्पिनर जो हमारा गेज फेस होता है इसमें जो है वियर कम होगा, वियर कम होगा, इसके वजह से जो है व्हील में भी और फ्लेंज में भी जो है एक्चुअली रेल के फ्लेंज में भी जो है कैंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कैंट जो प्रोवाइड किया जाता है रेल में, तो ये क्या है, स्लीपर भी जो है 1:20 के कैंट का बनाया जाता है। ये हमारा स्लीपर है, तो स्लीपर में भी जो है 1:20 का कैंट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि रेल को जो है टिक करके रख सके। रेल हमारा जो है टिक रहता है, और दूसरा क्या है, जैसे रेल का जो होता है ये एक्सल से कनेक्टेड होता है, तो एक्सल से जो कनेक्टेड रहता है तो इसका एक गेज फिक्स होता है। दोनों जो हमारा व्हील होता है और इनर जो हमारा जो रेल का जो फ्लेंज होता है इसको जो है ये टच करते हुए निकलती है। तो इसीलिए इसको, जैसे जो हमारा गेज जो होता है रेल का जो गेज जो होता है इनर टू इनर होता है, जैसे ये हमारा जो एक रेल हुआ, जैसे लेफ्ट रेल तो वो दूसरा राइट रेल हुआ, ये जो है गेज कहलाता है। इसीलिए कैंट जो है कोनिंग ऑफ व्हील यही होता है। आप ध्यान रखें कि एक्चुअली व्हील और रेल ये दोनों जो है 1:20 के कैंट पर रहता है, ताकि मिनिमम जो है हमारा वियर हो, और रेल में जो प्रोवाइड किया हुआ है स्लीपर के वजह से स्लीपर में भी 1:20 का कैंट रहता है। और ये जब रेलवे का ट्रैक जब लेन किया जाता है, उस समय जो हमारा जो स्लीपर वगैरह जो फॉर्मेशन पे लगाया जाता है उस दौरान ही जो है इस तरीके का कैंट प्रोवाइड किया जाता है। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है, इससे रिलेटेड डिटेल आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।